मेरी बात सुनो ना, एक बोला दो बोला क्या तुमने कहीं ना आज क्या बात लगा उसको एक को लगा दे अरे एक को लगा नहीं जय भाई छोटे सामान इधर साइड में रख चारों को साइड में रखना चलो इधर ले ना अरे पूरा नहीं लेना और पूरा मत चारों चारों को लेना है बस हो गया ये चार ले लो एक एक बार में दो ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भाभी संजू ऑफिशियल। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैं संजू, राज और मेरे संजू और सोनू, हम लोग जा रहे हैं कोमलगढ़ और हमें रास्ते का कोई आइडिया नहीं है। मैं संजू को हजार नाम है, मेरे प्रभु के हजार नाम। हाँ, फील तो ऐसी आ रही है कि हम लोग लद्दाख घूम रहे हैं। यहाँ पे रास्ते में हम लोग पता नहीं उल्टे रास्ते से आ गए और इन दोनों को रास्ता नहीं पता है, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग, और अब आके यहाँ रुक गए। मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, बताती हूँ। प्यारा रास्ता है ना, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है इतनी। तो अभी हम लोग रुके समीचा गांव में ये पानी पूरी खाने के लिए। पानी पूरी दिख गई तो इसको छोड़ के इसका अपमान तो नहीं कर सकते। देती हूँ इन भैया ने हमें सिर्फ ₹10 में प्लेट में पानी पूरी खिलाई है। हम लोग रास्ते में जा रहे थे और इतनी प्यारी लोकेशन मिल गई हमें कि संजू बोल रहे हैं कि कभी नहीं बोलते, और आज ये बंदा बोल रहा है कि मुझे फोटो शूट करवाना है और साथ में घोड़ा भी है, इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। हम पहाड़ी लड़कियां बने। अरे सोने के अंडे को क्रॉस करते हुए उधर से संजू ध्यान से प्लीज। हाँ, उनका तो अलग ही फोटो शूट चल रहा है और सोनू बन चुकी है कुली, पता नहीं इसके ऊपर क्या क्या टांग दिया है। मेरी तो कोई ले ही नहीं रहा है, मैं इधर ही ठीक हूँ ना। वापिस करना, राज की शक्ल देखो यहाँ पे स्मेल आ रहे। तो फ्रेंड्स हम लोग किसी गलत जगह पे आ गए, लोकेशन बहुत अच्छी है बट जगह गलत है। दोनों भाग रहे, बाप रे। अत्यधिक अनुभव के साथ में थाली साफ कर रहे संजय। आई थिंक इन्होंने पहले यही काम किया था। तो हम रुके कुमलगढ़ से 7 किलोमीटर नीचे, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाने के लिए पहले करेंगे पेट पूजा, देन उसके बाद ऊपर जाएंगे हम लोग, मीन्स कुमलगढ़ जाएंगे ऊपर। नहीं मीन्स कुमलगढ़ संजय को क्या कुली बना दिया तुम लोगों ने। आज मेरा सिंदूर फेल गया सारा। जादू भी है जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, तो हम लोगों ने ले लिया है टिकट। पर टिकट आपको 40 रुपीज का मिलता है, मेरे पर्स के अंदर है। अब चिल्लाते ही रहते हैं, बस कहाँ है क्या है यही करते रहते हैं। अब यहाँ से करेंगे एंटर। नहीं गई। ये यहाँ की फर्स्ट पोल, ऊपर आने के बाद बोलो भाग जाओ, आप ही की है वैसे भी। सब चलते हैं अंदर। सोन की देख रही है जोर है कि नहीं। ये घूमता कैसा होगा? घूमते नहीं है वो पागल, उससे बंद करते हैं। Hey guys, हम कुंभलगढ़ आ गए। वाह, अच्छा लगा। इतना प्यारा लग रहा है ना वो मंदिर जहाँ पूजा होती थी ना, राइट। तो ये है चौगान पोल, सबसे लास्ट वाला।
खोल के यहाँ से एंटर होते ही ऐसे चबूतरे बनाए हुए हैं। यहाँ पे पहले जो भी राजा महाराजा आते थे तो यहाँ पे बैंड बजाने वाले, उनका स्वागत करने वाले, वेलकम करने वाले लोग बैठे रहते थे, दरबारी लोग। जैसे संजू आ रहे हैं, ये यहाँ पे मिट्टी निकल रही है, मिट्टी में बनाए हुए सीमेंट तो बाद में ऊपर से लगाई गई, तो एग्जैक्ट मिट्टी दिख रहा है यहाँ से। ये है पुराना। आने के बाद में ये बड़ा गार्डन दिखता है, तो यहाँ पे वो सब जो राजा महाराजा जो तोप चलाते थे, बारूद थे, तो वो रखे हुए हैं यहाँ पे। सो देखते हैं, चलते हैं। ये देखो तोप है, ये तोप टूट रही है ना। टूटी हुई क्या है? I don't know, बम गोलाबारी करते टाइम पर क्या है कि टूट गई होगी ना, ब्लास्ट हो जाती है ना। हाँ, वो अंदर गोला वगैरह फंस जाता है ना, तब ब्लास्ट हो जाती है ना, इस बार इस कारण। बट ये तो पूरा उसमें लोहे में बना हुआ है। नहीं लोहा नहीं है, ये लोहा नहीं है। या तो ये पत्थर है या ये मीट है। ये देखो, ये राजा महाराजा बता रहे हैं कैसे यूज करना है इसको। ये वॉशरूम है। ए सुनो ना मेरी बात सुनो, संजू क्या बोल रहे, राज सुनो ना, संजू क्या बोल रहे, ये वॉशरूम है। वॉशरूम है तो जीजू को पता होगा, क्योंकि इनके ही काम की चीज है। हाँ आ रही हूँ। और ये इधर रास्ता तो मिला, कुआ मिल गया हमें। सोनू बिना देखे जाती तो सबसे पहले मैं चढ़ी है और मुझे मिला शौक। ले बाहर ना, तेरे को आके कुछ नहीं करना, इधर आ जा। नहीं आ रही हूँ मैं, जा जो भी वो करतो नहीं, लड़ाई तो मैंने कर दी। सोनू सबको तेरे जैसा समझा के बोले, सोनू सबको तेरे जैसा समझा। मेरे को नहीं बताया ना, तुम लोग सब ऊपर गए, तुझे ऊपर चढ़ने ही नहीं आया। हां बांधने के लिए टेंट लगा दिया था आने जाने के लिए, पानी। ये देखो, ये सब लोग कितने गंदे लोग हैं, सब लोग ऊपर गए हैं। मुझे क्या बोलते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, तो मुझे ऊपर जाने भी नहीं दिया और नीचे वापस उतारते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे जहाँ पे पानी संग्रह करते थे, इन लोगों ने मुझे देखने नहीं दिया। बट अभी यहाँ ऊपर आने के बाद में भी यहाँ से वो दिखता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये नीचे पानी है, इसमें बहुत ही गहरा है, तो जब युद्ध होते थे तो बाहर आने जाने पर रोक लगा दी जाती थी, तो यहाँ पे पानी संग्रह किया जाता था। अब मुझे पता चला। और राज का चल रहा है फोटोशूट, कैमरा मैन आशी के साथ में। और ये लास्ट पोल और है, मुझे लगा वो है पागड़ा पोल, पहले मुझे लगा था कि वो लास्ट है, बट नहीं। और यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे ये रूम बने हुए हैं, अंदर जाके देख सकते हैं। चुप रहो, ये सब घोड़े घोड़े के लिए, सारे घोड़े के, घोड़े के लिए। अच्छा, ये घोड़े के लिए? हाँ सब घोड़े के लिए। यस, ये सब घोड़े के नाले के। कब से आ रहे हैं जीजू, ऐसा लग रहा है। हाँ घोड़े के लिए, घोड़े के लिए, घोड़े के लिए। बादब मा मुलाइजा शहनशाह संजय प्रजापत पधार रहे हैं घोड़े को घास डालने के लिए। दिस इज कुंभा महल, महाकाली है। इधर पूजा करते हैं। यस, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। अरे बाप रे, ये क्या कहीं नहीं हटे, कोई गलती करे तो उन्हें धक्को दे वाले बात है। थने सब पहले थे मान ला रहे, गलती की थी। क्यों थने सु फील वेरू बोने थोड़ी देर पहले? मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने अच्छी लगे पुरानी चीजें, मैंने बहुत पसंद है, खासकर महल और भूत वाला सीन बहुत पसंद है। ऐसा मत बोल, यहाँ पे कोई भूत होगा तो तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। और उनका जन्म हुआ था ये गुम्मत। और यहाँ पे ये राज आज राजा बन के आए है कुर्ते पजामे में, और अपने साथ में लाए हैं रानी को, नहीं अनारकली को, किसी मुगलाई रानी को। मत जा, पत्थर टूटा हुआ गिर जाएगी। तो ये कुंभा मेल था, इसके अंदर चामुंडा माता का
मंदिर है। पुराना यार, बहुत पुराना है जान, बहुत बहुत ही पुराना था। मीन्स इतना ठंडा है, इतना सुकून है, इतनी शांति है ना अंदर। मीन्स तो संजू ने बोला कि आए हुए तो दर्शन कर लेते, तो हमने दर्शन कर लिए। ये जो पेड़ है पीपल का पेड़, यहाँ पे मन्नत मांगते पूरी होती है। सो लोग यहाँ पे महल बना के जाते पत्थर से, जितना बड़ा उनको घर चाहिए उतना। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे बना रखे हैं, और संजू भी बना रही है, उसको चाहिए वो। संजू, दूसरों का घर तोड़ के खुद का बनाना अच्छी बात नहीं है। संजू दूसरों का तोड़ के खुद का बसा रही है तो वो नहीं बस सकता है, गलत बात है। संजू राज समझाओ आपकी संजू को, ये दोनों एक जैसे। मैं मूरख फल कामी ये दोनों वो है। ये पानी के टैंक है, आई थिंक नीचे टैंक है ना, उसको ढका हुआ है। नहीं 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 नहीं, तो जो आलसी होते थे ना, आलसी जो सोते रहते थे, हाँ, उनको सीधा पानी डाला जाता था इनके ऊपर। कुछ भी लगाई शर्त है, सच में खोलो इसको, अभी गड्ढा है कि नहीं नीचे का। ये हमें कोई गलत गाइड करने वाले मिल गए एक फ्रेंड्स। कुछ ही बोल रहा हूँ। अच्छा, किसी से पूछेंगे। सब तरफ है देखो, सब तरफ है। हाँ यार, ये बात तो सही है, सब तरफ है। क्योंकि यहाँ के जो मेन सैनिक होते थे ना, उनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता था 24 hours। ओके फ्रेंड्स, फाइनली अब हम लोग एग्जैक्ट महल में आए। इतना टाइम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, अब इसके ऊपर भी छत है, उस पे जाएंगे, उसकी भी कोई स्टोरी है, बताती हूँ आप लोगों को। राजा महाराजा जो भी थे वो यहाँ पे एग्जैक्ट बैठते थे, एंट्री थी, और ये उनकी प्रिय रानी का कमरा था। तो हजार रानियाँ थी उनकी, तो उनको क्या। तो ये वाला सेकंड है उसका सेम टू सेम। तो यहाँ पे जो राजा महाराजा गेस्ट के तौर पे आते थे उनको ये रूम दिया जाता था, उनके मदिरा पान के लिए ये कक्ष था। देन उनकी रानी वगैरह उनको सोने के लिए ये कक्ष दिया जाता था। और अब इसके जस्ट सामने से बाहर निकलते ही किसी देवी का मंदिर है। हम लोग है कोमलगढ़ के सबसे टॉप फ्लोर पर, और इसका ब्यूटी बताती हूँ मैं आप लोगों को। संजू और राज दोनों झगड़ा कर रहे हैं। संजू बोल रही है मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया, राज बोल रहा है आप बना के आओ, तो संजू जा नहीं रही है। और हमारा पूरा इस कुंभलगढ़ महल का टूर हो चुका है, और हम नीचे जा रहे हैं, बट वो दोनों नहीं आ रहे हैं। संजू को चार माले चढ़ के जाना नहीं है, राज बोल रहे कि रील बना के ही आओ, बना के ही आओ, तो वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अरे यार नहीं बोला था तूने, बोला होता तो मैं खुद भी रुकती ना यार। मैंने मन ही नहीं उसके बाद रुकने का, इन्होंने गुस्सा किया तो गुस्सा काहे को किया। इतना अच्छा आइडिया दिया था कि इधर चार गेट है तो आप चारों खड़े हो जाओ इधर। हाँ, तो एक बार तो ये जाने लगे, फिर वापस से आए मेरी शक्ल देख के। कैसा पोज बता दिया मैंने इनको, और ये सच में नहीं जा रहे। हमें दिखा ये गवारफली का पेड़, संजू बोल रहे हैं ना संजू। अच्छा, गवारफली पेड़ पे बेबी क्या है ये बोलो ना। गवारफली दिख रही है मेरे को तो, खा लो खा लो। गवारफली पेड़ पे लगती है? नहीं यार, वो तो उस छोटे से झाड़ पे लगती है ना, बट यहाँ पे गवारफली का पेड़ है। नहीं, गवारफली है।
यहां गवर फली गवरों की चॉइस लाइक यू बेबी। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे मंदिर में जहाँ पे राणा कुंभा यहाँ पे शिव जी की पूजा करते थे, सबसे बड़ा शिवलिंग है। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। अच्छा जी, ये मेरे को गाइड करते कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। ये तो सेम उसकी तरह ही है। दरवाजा लगा दिया मेरे ख्याल से। हाँ लगा दी, दरवाजा लगा दी। चलो ये तो बंद हो गया है मंदिर फिलहाल, बट कोई ना, संजू ने दरवाजा बोला टूटा हुआ, मंदिर बंद हो गया है। मंदिर बंद कर दिया उसने यार, मैं कितनी आज से आई थी शिवजी को देखने। संजू चेक कर, जहाँ राणा महाराणा कुंभा बैठ के पूजा करते थे और इतना बड़ा फिर भी जल चढ़ा सकते थे। कोई बात नहीं, इतनी आस के साथ में आए थे, बट नहीं यहाँ पे है, बंद है मंदिर, बट कोई ना। बट ये सेम टू सेम ये किसके जैसा है पता है? हम लोग संजू की प्री वेडिंग के टाइम पे गए थे ना, कौन से जगह गए? सास बहू टेम्पल की तरह ही है बिल्कुल यहाँ पे। और फिलहाल अभी सब कुछ देख तो लिया है, संजू का भी रुटना बनाना हो गया है राज का, और चलते हैं अभी नीचे मंदिर से और फिर चलते हैं घर नीचे रजवाड़ी। ये शाम के समय भूतिया आइया होता है वो मान नहीं रही है। बाद अब्बा मुलायजा होशियार शंशाय संजू पधार रहे हैं, घर जा रहे हैं। यस तो फ्रेंड्स, मैं और संजू पहुंच चुके हैं मोलेला, संजू राज और सोनू घर चले गए और हम लोग स्टेशन पे आए। इनको खाना था सैंडविच, वहां से कब से डिमांड थी तो हम लोग जाने वाले थे, बट हमारे मोलेला में भी मिलता है, सो हम लोग यहाँ पे रहे। और लिटरली गाइज मैं बोलूँ ना, मैं लाइफ में कहीं भी चली जाऊँगी कुंभलगढ़ तो कभी नहीं जाऊँगी, और ये मुझे संजू ने बोला था कि आप ये बोलना भी अच्छा है ठीक है, बट घूमने उसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं था। खाना है ना, भूख लगी है लेके आओ। नहीं नहीं खाना है अंकल। तो फिर सच में मैं कहीं भी चली जाऊँ, संजू तो ऐसे बोल रहे थे, बच्चे होंगे ना उनको भी बोलते हैं कि कुंभलगढ़ कभी मत जाना, अगर घूमना इससे अच्छा तो अपना हल्दी घाटी घूम लो, राजसमंद झील घूमाओ, कुंभलगढ़ देखने जैसा कुछ एक तो इतना दूर है और ऊपर से देखने लायक भी कुछ नहीं था वहाँ पे, सिर्फ वैसे ही महल था, म्यूजियम वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई मज़ा नहीं आया था। एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। इफ़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं घर पे और आज गा रहे पूर्वजों के गीत, तो आंटी वगैरह सब लोग आए हैं, पापा के काकी वगैरह, और उसके बाद में होगा संजू और राज को बिठाएंगे और पारसी मीन्स की चुटकुले बोलेंगे और इन लोगों को दोनों को छुड़ाने उन चुटकुलों को, मीन्स की उसका बोलना है, उसका आंसर करना है, सो वो भी देखते हैं। फिलहाल इनको दिखाती हूँ। तो ये मेरे अंकल है जो पूर्वज है। गाने का प्रोग्राम, तब तो हम लोग खा रहे हैं पांचों ऊपर खाना, खाने में बनाया चूरमा बाटी दाल लड्डू ना, मेरे मतलब मेरे इतने फेवरेट है ना, गुड़ के लड्डू है ये तो बाटी पर तो अभी बड़े नहीं होंगे तो बोलो। नहीं नहीं सच में ये गुड़ के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। ये संजू की आप बनी हुई है, इन दोनों को देखो संजू। ये लो जीजू बाटी। जब बच्चा बड़ा होता है ना, मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में जब होली आती है ना, फर्स्ट होली आती है ना, उसको ढूंढा कर ढूंढा कर, मतलब जो होलिका होती है ना, फर्स्ट पहले होलिका के साथ पहले होता है ठीक है फर्स्ट। हाँ बिल्कुल। सेकंड उसकी शादी कब होती है? जब उसको बाबूजी के देवी देवता के घोल पहनाते हैं तब मंदिर के साथ फेरे होते हैं ठीक है। उसके बाद में उसकी तीसरी शादी कब होती है? जब वो मर जाता है, मरने पर भी होता है ठीक है। तीसरी शादी कब होती है? जब वो फेरे लेता है ना, सात बजे तब होती है। लेकिन बहुत से क्या करते हैं कि मटकी माथे पर लेकर के, मटकी यहाँ पर लेकर के, ये चार चक्कर पूरे कम्प्लीट होते हैं जीवन के, चार व्यू है, मतलब चार बार शादी होती है जीवन में, मरने के लिए
मतलब चांदी के पायल वगैरह। देखो जीते जी मरते मरते दम तक शादी होती है इंसान की, समझा? इसीलिए लोग बोलते हैं शादी से दूर भागो। शादी करके फंस गया यार। अच्छा ऐसा था कवारा। मैं ऐसा नहीं बोलता। अच्छा शादी करके बहुत खुश हूँ। टाइम टू टाइम रोटियां मिल जाएगा अपने सब कुछ बढ़िया। आपके पापा आपको कैसा एक्सपीरियंस है? ये तो फंस गए बेचारे, इनकी शक्ल से ही दिख रहा है। अभी आपने तो बोला फंस गया। अच्छा मैंने थोड़ी ना बोला, आपकी शक्ल पे दिख रहा है, वो तो कमेंट सेक्शन में लोग बताएंगे। ये देखो इनकी शक्ल देखो। ये स्वेटर हटाना। तो फ्रेंड्स पार्टी बुलवाने के लिए बुलाया, इन्होंने एक भी नहीं छोड़ा ही है, एक भी आंसर नहीं किया। और हम दोनों ऐसे संजुड़ी आंसर हटी। ये देखो संजुड़ी बता रही। राज को बराबर, राज बराबर आंसर दे रहा। माचारे मरचा लागे बताओ, माचारे मरचा लागे। इनको आ नहीं रहा जी, ये मुंह छुपा रहे। अंकल जी को क्या लगा सब ठीक है? ये मेरा चाचू है। गायब 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 गायब
सही बात है, हमारे पास जितनी ग्यारह देने मार दान दे दो मारे ऊंटड़ी। आपने भी खबर नहीं है, आपने भी खबर नहीं है को हुआ था। ये देख ये बेटा है, ये देख तराजू तराजू। आपको है ना ऑप्शन देने चाहिए, एक दो तीन चार। नहीं बात है, गलत बात है, हमने सुना ही नहीं। तराजू तराजू चार होते हैं ना ऐसे साइड में, एक को चार होते हैं, दूसरे को चार, आठ, और फिर पूंछ होती है। मुझे बिल्कुल मैचिंग नहीं लगा। यस मैंने नहीं सुना। करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सब कुछ करो। लड्डू बाटो लड्डू बाटो लड्डू बाटो लड्डू बाटो लड्डू बाटो। मजा आया कि नहीं आया? नहीं नहीं आया, अच्छा लगा। कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी आ गया, अच्छा लगा। बहुत मेहनत करने वाले हैं इन पर आए हैं, हां अच्छा लगा। नहीं खाली बस एक ही जोड़ा लगा मुझे भी लगा। इनको सिर्फ एक चीज समझ में आई, गधे के गवाज मीन इनको यही का मतलब समझ में आया कि गधा बोला और इतना ही इनको आना समझ में जरूरी नहीं था। नहीं गधा नहीं, इन्होंने उसके लिए बोला था, एक तो सुअर के लिए बोला था इन्होंने, और नहीं गाय के लिए बोला था इन्होंने, गाय के लिए बोला, भैंस के लिए बोला, और बकरी के लिए बोला। तो गधे वाला सबसे पहले बोला, आपको वो समझ में आया? आपको भी बिठाया था गधे के ऊपर, फ्रेंड्स में घूंघट निकाल रहा है इनका। बिल्कुल बिल्कुल, कितने बजे आना? 6 बजे। हां 6 बजे, हां 7 बजे, रोड लगा ले। हां ठीक है भाई, पत्रिका देवा, हां पत्रिका देवा, गधे घर ठीक है, 4 बजे आएंगे, आएंगे आएंगे जरूर। सोनू 6 बजे चलना है, चाय पीना? 5 बजे आ जाना, 6 बजे बिस्तर में मिलेंगे, आके देखना। कौन मैं? नहीं मैं तो 8 बजे आऊंगा। नहीं नहीं मैं आऊंगा 8 9 बजे। अभी निकलो वन टाइम चाय पर। इसको देखो मार आत्मा, मैं तो पीना आया था, मैं क्या बनाया है ये क्या बोल रहे हैं? घड़ी घड़ी में मोबाइल दे रहे हो, हद है।